हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मेंडेलस्टॉम। इससे पहले की क्लास में हमने ग्रिगोर मेंडल के बारे में डिस्कस किया था। वो क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। वन वर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो मेंडल्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था, उन्होंने बहुत से स्टडी किया था, बहुत से कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था, और बट उन्होंने एक स्पेसिफिक प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी किया था। वो कौन सा था? करेक्ट, पाइसम सैटिवम, दैट इज द पी प्लांट, ठीक है। तो आज हम लोग उनके कुछ लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने 3 लॉ दिया था, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 लॉ जो उन्होंने दिया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग अपने आगे अच्छे से क्लासेस में उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और लॉ ऑफ डोमिनेंस आपकी बुक में नहीं दिया गया है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है, बट डिटेल स्टडी हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे, क्लियर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, जैसे कि डोमिनेंस, कुछ डोमिनेंट कंडीशन याद आ रहा है, डोमिनेंट कंडीशन। हम अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे 2 जीन बनाया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये मैंने क्या, हाइट ऑफ प्लांट का एक एग्जाम्पल लिया है, कि प्लांट हमने टॉल प्लांट का एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जीन हमारा क्या है, एक तो ये बताइए ये हमारा डोमिनेंट है कि नहीं। डोमिनेंट जीन को हम हमेशा किससे, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल टी से। और रिसेसिव जीन हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से, ठीक है, स्मॉल लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारा डोमिनेंट कंडीशन है, जो डोमिनेंट जीन है, वो हमेशा रिसेसिव वाले जीन के फंक्शंस को सप्रेस कर देता है। इट मीन्स स्मॉल टी वाला कभी भी अपने फंक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो डोमिनेंट वाला जीन है उसके फंक्शन को सप्रेस कर देगा, दबा देगा, इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, हेट्रोजाइगस जीन। क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस जीन, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो दो अलग अलग जीन है, जैसे कि एक ये डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है और एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, तो ये क्या है? होमोजाइगस। होमोजाइगस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ही जैसा जीन प्रेजेंट है, मतलब दोनों ही जीन हमारा क्या है, डोमिनेंट है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और जानेंगे, जीन। अगर हम बात करें ये क्या है, तो इसको हम जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? जीन। अगर मैं पूछूं एलील क्या है, तो एलील क्या, जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन का, उसको हम क्या कहते हैं, एलील। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड द एलील। तो यहाँ पे क्या है, सपोज ये तो हम जीन है, बट अगर एक हम बस इस कैपिटल टी की बात करें, तो ये क्या है, एलील है, ये क्या है, एलील है। और अगर स्मॉल टी की बात करें, तो ये भी क्या है, एलील है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि इस जीन में 2 एलील प्रेजेंट है, या पेयर्स ऑफ एलील प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस यही है, सिंपली यही बताता है कि जो डोमिनेंट जीन है वो हमेशा रिसेसिव वाले जीन के फंक्शन को सप्रेस कर देता है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिंपल है, इसमें क्या करना है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो एलील है, सिर्फ एक एलील ही पार्टिसिपेट करता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। आइदर प्लांट, मतलब या तो हम बात करें मेल प्लांट की, या एक बात करें फीमेल प्लांट की। तो मेल प्लांट से एक एलील आता है और फीमेल से एक एलील आएगा, और फिर ये दोनों ही मिलके क्या, गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रॉसिंग होती है और इनका ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे 2 अलग अलग एलील हमारे 2 डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है, और गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लियर। अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मीन्स पेयर्स ऑफ एलील। क्या है? पेयर्स ऑफ एलील। तो पेयर्स ऑफ एलील, जैसे हम बात कर लें, यहाँ जैसे हम ले रहे हैं एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेयर्स ऑफ एलील है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पासिस अ रैंडमली, तो इसमें से क्या, कोई भी रैंडमली एक एलील पार्टिसिपेट करेगी गैमेट फॉर्मेशन में। सपोज ये ले लिया कैपिटल टी ले लिया, ठीक है। रैंडमली सेलेक्टेड एलील फॉर अ ट्रेड टू इट्स ऑफस्प्रिंग, सच दैट द ऑफस्प्रिंग रिसीव 1 एलील फ्रॉम ईच पेरेंट। तो यहाँ तो मैंने एक पेरेंट का ही डिस्कस किया है, सपोज एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यहाँ पे क्या है, 2 पेरेंट है, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक एलील हमारा यहाँ से आएगा कैपिटल टी, और एक एलील हमारा यहाँ से आएगा, तो ये क्या है कि स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों ही मिलके क्या बनाएंगे, गैमेट फॉर्म होगा। और यहाँ पे जो हमारा ऑफस्प्रिंग डेवलप
होगा, जो प्लांट डेवलप होगा वो कैसा प्लांट होगा, टॉल प्लांट। क्लियर? तो यहाँ पे हमें ये समझना है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक एलील हमारा एक पेरेंट से आएगा और दूसरा एलील हमारे सेकेंड पेरेंट से आएगा। क्लियर? तो ये हमारे दो लॉ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।